हेलो फ्रेंड्स, पदारोसा में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे दाल तड़का, वो भी बिना कुकर के, जो मूंग दाल से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कप पीली मूंग दाल यानी बिना छिलके वाली दाल ली है। दाल को 2 घंटे पहले भिगो दिया था, अब इसका पानी निकालना है। मैंने दाल का पानी निकाल कर एक बार और अच्छी तरह धो लिया है। मैंने दाल को उसी बर्तन में डाल दिया है जिसमें दाल को पकाना है। अब इसमें 3 कप पानी, स्वादानुसार नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी डाली है। अब इसे पकाना है। जब तक उबाल आए तब तक फ्लेम हाई रखनी है। उबाल आने के बाद फ्लेम लो टू मीडियम ही रखनी है। आप चाहें तो इसे कुकर में भी पका सकते हैं, जिसके लिए 1/2 कप पानी कम डालकर 2 सीटी लगा सकते हैं। बिना कुकर के टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, पर टेस्ट में आप अंतर देख सकते हैं। दाल में उबाल आ गया है, अब फ्लेम लो टू मीडियम ही रखनी है। दाल को पकने में लगभग 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, पर दाल अच्छी भीगी हुई होनी चाहिए। मैंने दाल पकाते टाइम फ्लेम लो ही रखी है, इससे दाल जल्दी पकती है और पानी परफेक्ट रहता है। लगभग 15 मिनट हो गए हैं, दाल पक चुकी है। अब एक घोटनी लेकर दाल को घोटना है। दाल परफेक्ट है। अब इसे फ्राई करना है। मैंने एक कढ़ाई ली है, अब इसमें 3 टेबलस्पून घी डालकर गरम करना है। आप चाहें तो तेल भी ले सकते हैं, पर दाल का जायका घी से ही बढ़ता है। घी गरम हो गया है, अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 2 चुटकी हींग, 1 बारीक कटा प्याज, 1 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, 5 से 6 करी पत्ते, 2 बारीक कटी हरी मिर्च और 1 टेबलस्पून ग्रेटेड लहसुन डालकर मिक्स करना है और इसे 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर पकाना है, पर बीच बीच में मिलाते रहना है ताकि प्याज जले नहीं। लगभग 3 मिनट हो गए हैं। अब इस मिश्रण के हिसाब से थोड़ा सा नमक, क्योंकि दाल में नमक डाला हुआ है तो कम ही डालना है। अब इसी में 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला और 1 बारीक कटा टमाटर डालकर अच्छी तरह मिक्स करना है। अब इसे टमाटर गलने तक पकाना है। मैंने टमाटर छील कर लिया है ताकि टमाटर दाल में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। टमाटर पककर मिक्स हो गए हैं, अब इसमें तैयार दाल डालकर मिक्स करना है। अब इसमें 1/2 कप गर्म पानी डालकर मिक्स करना है। अब इस पर ढक्कन लगाकर 3 से 4 मिनट और पकाना है ताकि मसाले दाल में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। लगभग 3 मिनट हो गए हैं, दाल तैयार है। अब इसमें 1/4 कप बारीक कटा हरा धनिया और 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी डालकर मिक्स करना है। अब इसे किसी दूसरे बर्तन में ट्रांसफर करना है। दाल तैयार है, पर मैं इसमें डबल तड़का लगाने वाली हूँ। मैंने एक तड़का पैन में 2 टेबलस्पून घी गरम कर लिया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 5 से 6 करी पत्ते और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाली है। अब तड़का लगाना है। दाल तैयार है। थैंक यू।